टीम मेरी फैमिली है और इनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। जैसे तुम मेरे और मेरे टारगेट के बीच आए उस गेम हुआ। दुनिया में हमेशा के लिए कोई नंबर वन नहीं रहता, एक ना एक दिन कोई तुम्हें जरूर हरा देगा। अब बॉलीवुड की तरफ से हमें बैक टू बैक कई बड़ी बड़ी एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है और इन्हीं में से एक फिल्म है ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी। फाइटर फिल्म को लेकर लोगों में काफी लंबे समय से एक्साइटमेंट बनी हुई है और अभी हाल ही में फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें ऋतिक रोशन एयरफोर्स ऑफिसर की ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। उस पोस्टर को देखने के बाद लोगों ने ऋतिक रोशन को थोड़ा ट्रोल भी किया क्योंकि इस पोस्टर को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये हॉलीवुड से कॉपी किया गया है। पर कुल मिलाकर ऋतिक रोशन के फैंस इस पोस्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और आपको बताते हैं कि इस फिल्म में हमें बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में है। वहीं इनके साथ फिल्म में हमें अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड के और भी कई बड़े कलाकार हैं। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। इसी साल सिद्धार्थ आनंद की पठान मूवी भी आई थी जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और उस फिल्म में एक्शन सीन तो लोगों को काफी पसंद आए थे और अब कहा जा रहा है कि फाइटर मूवी में पठान मूवी से कई ज्यादा एक्शन होने वाला है। इसलिए सभी लोग जल्द से जल्द फाइटर फिल्म को देखना चाहते हैं और लोगों में फिल्म के पोस्टर को देखने के बाद जो एक्साइटमेंट देखी जा रही है उससे साफ पता चल रहा है कि फाइटर मूवी भी अपना एक रिकॉर्ड स्थापित करेगी। लेकिन अभी इस फिल्म के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि फाइटर फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है और फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर तक कम्प्लीट कर ली जाएगी। इसके बाद ये फिल्म हमें 2024 में 25 जनवरी को सिनेमा हाउस पर देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें फिल्म के टीजर के रिलीज होने की तो मेकर्स का कहना है कि फिल्म की रिलीजिंग से 3 महीने पहले फिल्म के टीजर को रिलीज किया जाएगा, यानी कि फिल्म का टीजर हमें अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिल्म के टीजर को देखने के बाद साफ हो जाएगा कि फिल्म में हमें किस लेवल का एक्शन और किस लेवल का VFX देखने को मिलेगा। एक इंटरव्यू में फाइटर फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म में एक्शन बिल्कुल हाई लेवल का है। ये फिल्म एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर पर बेस्ड है तो फिल्म में हमें फाइटर प्लेन के साथ एक्शन खतरनाक देखने को मिलेगा और इसी के साथ हमें जमीन और आसमान दोनों में एक्शन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर फिल्म दमदार होने वाली है और होनी भी चाहिए क्योंकि ऋतिक रोशन की इस फिल्म से लोगों को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ऋतिक रोशन की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। इसलिए सभी लोग इनकी फाइटर फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये कुछ बड़ा जरूर करेगी और अब की बार तो ऋतिक रोशन काफी बड़े बजट के साथ आने वाले हैं, इसलिए वो खुद भी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। और आपको बता दें कि फाइटर फिल्म का बजट 250 करोड़ से ज्यादा का है, इसलिए लाजमी है कि फिल्म में हमें काफी खतरनाक एक्शन और VFX देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।